गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिवीजन टाइम वन कंप्लीट किया था। आज हम लोग करेंगे लेसन 11 इज एम और आर। लेसन 11 इज एम एंड आर, पेज नंबर 6262। ठीक है, देखो इज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, जो कि सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है। आर जो होता है वो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, साथ में यू प्रोनाउन के साथ भी इस्तेमाल होता है, और एम जो है वो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉपी पे काम करेंगे, तो सारे बच्चे अपनी कॉपी पे चैप्टर का नाम लिखेंगे, लेसन 11 इज एम आर। ठीक, क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, वेयर वी यूज इज। देखो अगर मान लो जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो पॉज करेंगे और उसको लिख लेंगे। ठीक है, वेयर वी यूज इज, आंसर इज यूज विथ सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ फायरमैन। इज यूज विथ सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ फायरमैन। ठीक, क्वेश्चन नंबर टू, वेयर वी यूज आर। आर इज यूज विथ प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउन्स। आर इज ऑल्सो यूज विथ प्रोनाउन यू। फॉर एग्जाम्पल, दे आर लाफिंग, यू आर अ गुड बॉय। ठीक, आर इज यूज विथ प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउन्स। आर इज ऑल्सो यूज विथ द प्रोनाउन यू। फॉर एग्जाम्पल, दे आर लाफिंग, दूसरा है यू आर अ गुड बॉय। वेयर वी यूज एम, ये कटा हुआ है बेटा, इस पर ध्यान नहीं देंगे। एम, वेयर वी यूज एम है ना, आंसर एम इज यूज विद द प्रोनाउन आई। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक, आई एम रीडिंग अ बुक, हो गया ये हमारा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में करते हैं। हमें लिखना है, यहाँ देखो, राइट टू सेंटेंसेज ईच विथ एम इज एंड आर। दो सेंटेंसेज लिखने हैं। जैसे पहले हम लोग एम के लिए लिखेंगे, तो लिख सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं। ठीक, ये भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आई एम अ बॉय और गर्ल, जो भी आप हैं, आई एम अ बॉय। ठीक, अगर आप गर्ल हैं तो आप गर्ल लिखेंगे। ओके, अब इज लिखना है, इज। तो मान लो आपका जो भी फ्रेंड है, जैसे मेरा फ्रेंड मान लो रमेश है, तो रमेश इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब और क्या लिख सकते हैं, हो सकता है जैसे डॉलर is my pet dog। ठीक, आप अपने मन से जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। R का you are a boy या girl, जो भी लिखना चाहें। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं R में, they are playing cricket। दो वर्ड दो लिखे हम लोगों ने, है ना, लिखे दो दो सेंटेंस हमें लिखने थे। वैसे बनी तो जगह सिक्स हैं, तो आप, मैंने एक ही में दो दो लिख दिए, आप अलग अलग करके लिख लेंगे, है ना, यहाँ पर भी। ओके, अब देखो कई बार ये इज आर एम जो है वो बीइंग वर्ड भी है, जैसे राधा इज अ डांसर, मैंने जैसे लिखा आई एम ए स्टूडेंट, ये सब लिखा ना, तो बीइंग वर्ड्स भी होते हैं, है ना। कंप्लीट सेंटेंसेस बाय लुकिंग एट द पिक्चर, यूज एम इज आर। दिस इज अ डॉक्टर, ही इज थिन, ही इज वियरिंग अ वाइट कोट, हो गया। अब देखो, आई am fluffy, I am Tom's pet, ये, और we are friends। ठीक,
अब देखो नेक्स्ट, दिस इज अ जू हो गया, दीज आर एनिमल्स एंड बर्ड्स, दे आर फ्रेंडली. अब देखो यूज एम इज और आर बिफोर द वर्ब द टू कंप्लीट द सेंटेंस. द कैट, यहां पर हमें ये करना पड़ना है, इज एम आर है ना, तो द कैट इज चेजिंग अ माउस, द चिल्ड्रेन आर, देखो चिल्ड्रेन प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ आर लगेगा, द विंड इज ब्लोइंग स्ट्रांगली, फिर द ट्रेन इज रनिंग 5 hours लेट, माय पेरेंट्स आर गोइंग टू पार्टी, आई एम रीडिंग अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर है ना, वी आर मूविंग टू आवर न्यू हाउस टूडे, योर फोन इज रिंगिंग. हो गया. अब देखो हमें आगे का काम करना, फ्रॉम पेयर ईच पार्टनर चूज टू टॉपिक्स एंड मेक 3 sentences अबाउट ईच टॉपिक यूजिंग एम इज एंड आर, टेक टर्न्स टू टेल योर पार्टनर योर टॉपिक एंड द सेंटेंस यू हैव रिटन. अब जैसे इसने रोज एक टॉपिक लिया, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रेड रोज इज अ सिंग साइन ऑफ लव, रोजेज आर माई फेवरेट फ्लावर, तो आप लिख सकते हो, कोई आप मान लो पेट के ऊपर लिख सकते हो या एनिमल्स के ऊपर लिख सकते हो, कोई एक टॉपिक लिख लो है ना, डॉग के ऊपर लिख सकते हो, जैसे मैं लिख लेता हूँ डॉग इज अ पेट एनिमल, डॉग इज अ फ्रेंडली एनिमल, और क्या लिख सकते हो, माय डॉग नेम इज डॉलर, तुम लोग का जो लिखोगे. ओके हो गया. अब देखो लुक अराउंड योर क्लास, राइट 5 things दैट आर हैपनिंग अराउंड यू, तुम अपने घर में देखो क्या चीजें तुम्हारे चारों तरफ हो रही हैं उसके बारे में ठीक यहाँ पर लिखोगे. जैसे माई मदर इज कुकिंग फूड, ऐसे करके अपने घर में. ठीक है, ये चैप्टर बेटा आपका फिनिश हो गया. फिर जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए बाय.